हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उदयपुर पार्ट टू के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पार्ट वन मिस किया है देखना तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो खूबसूरत सी मॉर्निंग है, हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। वेदर एंजॉय करने के लिए हम बाहर आ गए थे, बट बिकॉज किसी की वेडिंग का कुछ फंक्शन चल रहा था, हल्दी की रस्म चल रही थी, तो हम अंदर आ गए। और ब्रेकफास्ट का स्प्रेड मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली से। सो सबसे पहला जो सेक्शन था वो था फ्रेश सैलड का विथ लॉट्स ऑफ हेल्दी सीड्स एंड नट्स। देख करके ना आपको लगेगा कि हाँ, यू शुड ट्राई। आपने कभी ट्राई नहीं भी किया होगा तो जो प्रेजेंटेशन थी ना, दैट वाज अमेजिंग। एंड जो सेकंड सेक्शन था वो था मीशी, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बेकरी स्टफ, केक, कपकेक्स, कुकीज़, क्रोसॉन, सो ये सारा कुछ था। और देन फिर था फ्रूट, फ्रेश फ्रूट इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया था ना कि अगर आप मेरी तरह फ्रूट लवर नहीं है ना, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करेंगे। और उसके बाद था सारा कुछ ये कुक्ड फूड जो होता है। अच्छा, अब्रॉड में ना आप चाहे 5-स्टार होटल में रह लीजिए या 7-स्टार होटल में, इस तरीके का टेस्टफुल फूड जो है ना आप हमेशा ही मिस करेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देसी फूड, स्प्रेड कोई भी हो बट इट शुड बी टेस्टफुल, जो यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट ईच एंड एवरी डिश। सो पराठे थे, गरम गरम पोहा था, छोले भटूरे, सॉरी नॉट भटूरा, छोला कुलचा, एंड देन इडली सांभर, सारा कुछ इतना टेस्ट का था ना, हमने सब कुछ ट्राई किया। बट बिकॉज ब्रेकफास्ट में इतना एपेटाइट नहीं होता तो बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही ट्राई किया था। एंड देन ये था शेक्स, रोज़ लस्सी, चिया पुडिंग, कॉर्नफ्लेक्स, सो ये सारा कुछ तो हम यहाँ भी खाते हैं। सो ये सेक्शन को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, इसमें से मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया था। और यहाँ पे था फ्रेशली स्क्वीज्ड फ्रूट जूस, डिटॉक्स वाटर, बीटरूट जूस, एंड देन जलजीरा भी था शायद। सो हम सब ने अपना अपना फेवरेट जूस लिया एंड अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। बस जी, हम तो इतने में ही थक गए थे कि उसके बाद का मैं आपको दिखा देती हूँ क्या स्प्रेड था, बट ये सारा कुछ हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया क्योंकि हम बिल्कुल फुल हो चुके थे। वेज चीज़ स्लाइस सैंडविचेस थी, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीट की फिलिंग थी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ था, गोट चीज़ था, और असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स थे, एंड देन सलामी था, स्मोक चिकन था। तो ये सारा कुछ वी डिडंट टच बिकॉज वी डोंट प्रेफर टू ईट मीट इन अ ब्रेकफास्ट। सो ये सारा कुछ वॉज टोटली अनटच्ड। दिस इज़ माई प्लेट। आई स्टार्टेड विद द फ्रेश फ्रूट, गरम गरम जिंजर टी, दर्शन के लिए है कॉफ़ी, और मिशी के लिए है रोज़ लस्सी। This is amazing. They have engraved their hotel name on the shell of the coconut. It's looking so good. सो जी, हम मज़े ले रहे थे ब्रेकफास्ट के एंड दे सडनली सरप्राइज्ड अस विथ वन मोर बर्थडे केक, एंड दिस इज़ द फोर्थ केक मीशी इज कटिंग हियर ड्यूरिंग आवर स्टे। सो दिस गर्ल इज सुपर हैप्पी बिकॉज जो भी हमने इसके लिए प्लान किया था इसके बर्थडे के लिए, शी लव्ड इट, राइट? डिड यू लाइक इट? आई डिडंट लाइक इट, आई लव्ड इट। एंड ब्रेकफास्ट का जो स्प्रेड था, खाते खाते हम थक गए बट वो स्प्रेड ख़त्म नहीं हुआ, एंड आफ्टर लैविश एंड एलैबोरेट ब्रेकफास्ट, टाइम टू चेक आउट। बहुत ही पेट भर के हमने खाया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा है। जल्दी से जा कर के हमने चेंज किया, सामान हमने रात में ही पैक कर लिया था, और अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे स्टे की तरफ। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। यहाँ के जो हेड शेफ थे उन्होंने मेक श्योर किया कि हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ और भी चाहिए, लाइक बच्चे हैं साथ में तो बार बार आके पूछ रहे थे कि नाइशी छोटी है तो आपको खिचड़ी चाहिए या दाल चाहिए या सूप चाहिए, तो उन्होंने हमें कुछ पैक करके भी दिया।
ये ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगी। ऐसे ही एक ट्रिप हमने मीशी जब 7 मंथ्स की थी, हम इंडिया में थे तब हमने करी थी। हम गोवा गए थे, हमारा स्टे बहुत ही खूबसूरत जगह पे था और अब नाइशी के साथ ही इस तरीके की हमारी पहली वेकेशन है। सो जब बच्चे छोटे होते हैं आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सब चीज़ें आपको माइंड में रख के प्लान करना पड़ता है। तो मीशी को चाहिए था कि उसे एक ऐसी जगह पे रहना है जहाँ उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए, कैसल की तरह उसका स्टे दिखने में हो। दिस प्लेस वॉज परफेक्टली फिट फॉर दैट क्राइटेरिया। अब हम जा रहे हैं ट्राइडेंट, जो कि ओबेरॉय ग्रुप की ही प्रॉपर्टी है और ये इन्हीं के प्रमाइस में ही है। लाइक अगर आप मेन गेट से आएंगे तो लेफ्ट साइड पे द ओबेरॉय उदय विलास है एंड राइट साइड पे था ट्राइडेंट। तो बस हमारा लगेज पहले पहुंच गया है और अब हम क्विकली से जाएंगे, चेक इन करेंगे एंड देन वी हैव प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। देखते हैं कितना आज हम बाहर घूम पाएंगे, बिकॉज अभी हमने बाहर कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है। हम सिर्फ अंदर अंदर की चीज़ें इंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। इस वॉर्म एंड वंडरफुल वेलकम के बाद हमने जो भी फॉर्मेलिटी थी चेक इन की वो कंप्लीट करी और थोड़ी देर के लिए मैंने दोनों बच्चों को रेस्ट करवा दिया था सो दैट बाहर जाने से पहले वो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएं, चार्ज अप हो जाएं। और अभी दोपहर के 4:30 हो रहे हैं। मैं आपको अपने स्वीट का एक जल्दी से टूर दे देती हूँ। और ये जो स्ट्रोलर है इसके लिए हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि हमें अगर ये प्रोवाइड करा सकते हैं तो, क्योंकि जो नाइशी का स्ट्रोलर हम कैनेडा से लाए थे वो हमने बैंगलोर में ही अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ छोड़ दिया था। हमें सरप्राइज़ करने के लिए, हमारे वेलकम के लिए इन्होंने जो भी तैयारी करी थी, ये चीज़ें हमारी ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए बहुत बड़ी थी। सो रूम के एक साइड पे था ये लिविंग स्पेस जहाँ पे काउच था, टीवी थी और एक फ्रिज भी दिया था छोटा सा, और साइड में डाइनिंग स्पेस थी। हमारा जो ये रूम था ये काफ़ी बड़ा था। और देखो जी, एक और केक। अभी तक दोनों बच्चे थक चुके थे केक काट के और मीशी तो अब बिल्कुल खाना नहीं चाह रही थी। सो इस केक के बाद हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अब कोई और केक ना भेजे, क्योंकि वो वेस्ट ही हो रहा था। और ये है बेडरूम एरिया जहाँ पे मीशी के लिए उन्होंने अलग से बेड दे दिया था, और ये था हमारा किंग साइज़ का बेड विच वॉज सफिशिएंट फॉर अस। और ये सारा जो बर्थडे डेकोरेशन है दिस वॉज स्पेसिफिकली फॉर आवर किड्स। नाइशी तो बहुत खुश हो गई थी बलून वगैरह के साथ खेलने में। हम सारे रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। हमने कैब बुक कर ली थी बट उसे आने में अभी थोड़ा सा टाइम था तो हम उसी का वेट कर रहे थे। हम जा रहे हैं लेक फतेह सागर। यहाँ से जो सनसेट का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेस्मराइजिंग है। और अगर आप उदयपुर पहली बार आ रहे हैं ना तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये जगह को ज़रूर विज़िट करें। चौपाटी जैसा पूरा ये बना हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टॉल हैं और यहाँ का जो फूड है ना बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो हम पहुँच चुके हैं ट्राइडेंट से। जो फतेह सागर लेक का डिस्टेंस था इट वॉज हार्डली 10 मिनट्स ड्राइव, और रास्ते में कुछ खास ट्रैफिक भी नहीं थी तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए। यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ था, कैमल राइड थी, हॉर्स राइड थी, हॉर्स कार्ट राइड थी, बट सिंस वी हैड बेबी विद अस वी रिस्ट्रिक्टेड आवर ट्रैवल टू होटल रिजॉर्ट एंड नियर बाय प्लेसेस। हम यहाँ आए तो थे बट हमने कोई भी राइड नहीं ली क्योंकि मीशी को थोड़ा सा डर था और हम में से भी किसी का जाने का कुछ खास मन नहीं था तो हमने राइड नहीं ली। लेकिन हाँ, बोटिंग का बहुत मन था सबका तो हमने टिकट्स ले ली और हम बहुत बड़े एक ग्रुप के साथ बोट पे आ गए। बीच में जो सनसेट का व्यू था ना बहुत ही अमेजिंग था, कुछ 20-25 मिनट्स का ये पूरा राउंड था बोट का।
यहाँ पास में ही ना एक एक्वेरियम भी था, तो हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि ये काफ़ी अच्छा है एंड सिंस वी हैव किड्स विथ अस वो बहुत इन्जॉय करेंगे तो हमें जाना चाहिए। बट हमारे अच्छा। पास टाइम बहुत लिमिटेड था और आप राजस्थान आए हो और आपने शॉपिंग नहीं करी तो आपकी ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट सी है। सो बस इसके बाद जो यहाँ की काफ़ी फेमस मार्केट है हाथीपोल, हम वहाँ चले गए, थोड़ी कुछ मैंने शॉपिंग करी जो मैं आपको कैनेडा जाके दिखाऊँगी। शॉपिंग करते करते लग गई थी सबको ज़ोरों की भूख और यहाँ पे पास में ही दो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट थे जो बहुत ही फेमस है, ओपरेन अम्ब्रई, और ना ये लेक पिचोला के साइड पे ही हैं तो ये अपने व्यू की वजह से काफ़ी हमेशा पैक्ड रहते हैं। दर्शन ने पहले से कोई बुकिंग नहीं करी थी बट लकीली हमें यहाँ पे टेबल मिल गई। मेरा बहुत ज़्यादा मूड नहीं था यहाँ पे आने का क्योंकि मैंने दर्शन के लिए सरप्राइज डिनर प्लान किया था अपने ही होटल में ट्राइडेंट में, जिसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी उनको। तो ही वॉज फोर्सिंग मी कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, नाम काफ़ी है एंड ना रेटिंग काफ़ी अच्छी है तो हम यहीं डिनर करके चलते हैं। किसी तरह टाल वाल की हमने सिर्फ स्नैक्स खाया और हम वापस चले गए। मैंने उनको बोला मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सो वी जस्ट हैड सम स्नैक्स एंड वी वेंट बैक। अच्छा, होटल आने के बाद ना मुझे दर्शन को थोड़ी सी हिंट देनी ही पड़ी सो दैट वी बोथ कैन ड्रेस अप नाइसली, जैसा कि मैंने प्लान किया था। और मैंने अपना जो सूट है वो निकाला पहनने के लिए सूटकेस से, तो ही वॉज लाइक कि तुम इस टाइम पे सूट पहन के कहाँ जा रही हो, तो बताने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो हम सारे ही जल्दी जल्दी से रेडी हो गए, बच्चों को भी मैंने जल्दी से रेडी करा दिया और नाइशी को निकलने से पहले मैंने उसका डिनर उसे फीड करा दिया था सो दैट अगर वो वहाँ पे बैठी है ना तो अच्छे से मूड में वो इंजॉय करे। और इनके रेस्टोरेंट से लगा हुआ टेरेस है, वहाँ पे ही मेरी टेबल बुक हुई थी तो हम वहाँ आ गए। शाम के टाइम पे ना यहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसे आप डिनर करते करते इंजॉय कर सकते हैं, तो इतना मज़े का माहौल क्रिएट हुआ था ना, हम सारे बहुत इंजॉय कर रहे थे। बट जो हमारी लिटिल मैडम है वो बहुत ही सैड मूड में थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था। दो शी वॉज फुल, उसका डिनर भी हो चुका था। बट फिर हम अंदर आ गए ये सोच के शायद उससे अंधेरे से डर लग रहा है, एंड टू आवर सरप्राइज अंदर आके उसका मूड बिल्कुल चेंज हो गया, वो बहुत अच्छे से खेलने लग गई। हमने अपना डिनर खूब अच्छे से इंजॉय किया, इतना मज़े का स्प्रेड था, इतना टेस्टी फूड, तो काफ़ी देर हम यहाँ थे, खाना खाया हमने और उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हमें आज यहाँ से चेकआउट भी करना है, थोड़ी सी पैकिंग भी मेरी रह गई है बट पहले करेंगे हम पेट पूजा, उसके बाद होगा कोई काम दूजा। तो हम आ गए सेम जगह पे जहाँ पे हम लास्ट नाइट डिनर के लिए आए थे, इनके रेस्टोरेंट में। इतना ज़्यादा स्प्रेड था ना बुफे का, और ये सारी चीज़ें ना मैं कनाडा जाके बहुत मिस करूँगी। हम कनाडा में कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो ब्रेकफास्ट का जो बुफे होता है ना वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। आई मीन नॉर्थ अमेरिका में आप कहीं भी चले जाइए, इंडिया जैसा स्प्रेड तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैर, हम सब ने ब्रेकफास्ट तो खूब इंजॉय किया और उससे भी ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो थी यहाँ की मसाला चाय। आप ट्रैवल कर रहे हो ना कहीं आप घर की अपने हाथ की बनी हुई चाय बहुत मिस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रही थी। बहुत ही अच्छी स्वाद वाली चाय मुझे पीने को मिली। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सारे निकल ही रहे थे बट मीशी ने कहा कि मामा मुझे थोड़ी देर के लिए टेरेस की तरफ जाना है, तो हम यहाँ आ गए। अभी वापस जाने के बाद मुझे पैकिंग करनी है, हम सबको फ्रेशन अप होना है, रेडी होना है, और रास्ते से ना हमें मलाई घेवर भी पैक कराना है अपने बैंगलोर वाले घर के लिए, क्योंकि यहाँ का मलाई घेवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ साथ और भी कुछ चीज़ें पैक करानी है तो उसमें भी टाइम जाएगा, सो वी थॉट कि क्विकली से निकलते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ना पता नहीं चलता, आप टाइम जितना भी सोचो बाद में कम ही पड़ जाता है। आफ्टर द वंडरफुल वेकेशन, टाइम टू से बाय। हमको थे यहाँ पे 4 दिन और हमने बहुत ही अच्छा वेकेशन यहाँ स्पेंड किया, टाइम अपना बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। अब जा रहे हैं हम बैंगलोर, आज है थर्सडे और फिर 3-4 दिन में हमें निकलना है कनाडा के लिए, तो बड़ी सारी पैकिंग है, वापस से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। बट जो वेकेशन हम माइंड में रख के आए थे ये बिल्कुल वैसा गया
या मैं कह सकती हूँ उससे भी बहुत अच्छा गया. सो थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड जिन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया, और होटल वालों ने काफ़ी अच्छे से मेक श्योर किया कि जो बर्थडे हमने अपने बच्चों के लिए यहाँ प्लान किया है, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस हमें यहाँ देखने को मिले. राइट. Yeah, Oberoi and Rajasthan is the perfect combination, and we are definitely coming back again. Yeah, so अभी चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट और फिर मैं आपको मिलती हूँ वहाँ. I can't thank enough to team Trident and team Oberoi Udai Vilas for making our stay so wonderful, so memorable. Mishi ने तो पापा से अपने प्रॉमिस ले लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंडिया आएंगे उसे यहाँ दोबारा लेके आएँ. सो लेट सी क्या होता है. यहाँ आते हैं या कहीं और राजस्थान में हम आएंगे वो तो टाइम ही बताएगा. हमारे स्टे के अलावा जो मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ ना वो ये थी कि उदयपुर के जो लोग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग थे. टूरिस्ट को देख करके हर तरीके से जो भी हेल्प वो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर ग्रीट करना हो, इतना अच्छे से आवभगत जो होती है ना वो उन्होंने करी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी. चलिए दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. हम निकलते हैं बैंगलोर के लिए. अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मेरा इंडिया ट्रिप का लास्ट व्लॉग होगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. जल्दी मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ. तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. Bye-bye.